112 पर फोन कर दे बाबू। FIR जो दर्ज कराई अपनी तरफ से, उसमें किस पर आरोप लगाए हैं कि ये लोग मिल के मारे हैं? कौन ब्यास के? ब्यास कौन है आपके? माझिल देवर हैं। अच्छा, और ब्यास बहु हैं, अरविंद हैं, अरविंद बहु हैं, औरत हैं उनका अरविंद के। अच्छा, आपके हमारे सास भगना है, परवंश ससुर हैं। आप जब आए घर तो क्या नजर आया आपको? फिर जब हमको ना देखा, एक देखा कि आप सब लोग रो रहे हैं, भटक रहे हैं, देखे सुने तो भाई। अच्छा, तो आपकी जो बेटी है जिसकी हत्या कर दी गई नेहा, तो उसमें आप कभी रोकते टोकते थे कपड़ा वड़ा पहनने को लेकर? कैसा कपड़ा पहन रही हो? नहीं पहनने? कभी नहीं रोका। कभी नहीं? जो सामर्थ होता तो उसमें आप धीरे धीरे खरीदो देते थे। अच्छा, मोबाइल वाल भी सब कुछ दिक्कत नहीं था? मोबाइल नहीं उसके पास, मोबाइल नहीं था। अच्छा, तो आप पढ़ाई लिखाई में पूरा पढ़ाते लिखाते थे? पूरा जोर था। लड़की को बीए कराए हैं, छोटे वाली को 9 में लिखवाए थे। अच्छा, इसको कहाँ तक पढ़ाना चाहते थे? जितना पढ़े तो सोचता अब कहाँ तक पढ़े वहाँ तक पढ़ाते। ये शादी ब्याह कर देते उसके बाद अलग ही बात है। तो एक कपड़े लत्ते पे जो वो आते, आपके पिताजी ने कभी आपसे बात की थी इसको लेकर कि बच्चे? कभी नहीं बात की थी। अच्छा, कभी शिकायत नहीं की कि बच्चों को समझाओ देखो? सीधे लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए मारपीट? अब कपड़े के लिए तो कभी शिकायतें नहीं। देखिए साहब, इतने बड़ा मामला नहीं है, ठीक है ना? अब उनकी माँ ने समय तो नहीं बताया था यह चीज। जब हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए, इनके गांव पे गए, तस्दीक किए, तब तो ये नहीं बताए थे ये बात को। ठीक है, 10-11 बजे की बात है ये। जब जो शाम को 7 बजे तहरीर दिए, 6-7 बजे, तब उसे ये बात आ गई। अच्छा, तो फिर उनसे पूछे कि भाई ये तो आपने नहीं बताया था। हाँ। तो ऐसी कोई इसमें कोई ऐसा उसमें कोई कानून की दृष्टि से बहुत बड़ा क्वेश्चन तो लग नहीं रहा था। हाँ, 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 तो फिर ठीक है, लेकिन मुकदमा लिखने में क्या दिक्कत है? तो उसका कहीं मुकदमे में कोई योगदान तो नहीं है। हाँ, हाँ, उसके आधार कोई धारणा बननी है या घटनी है। बात आई, खत्म हो गई। आपकी जब पहली बात में, तो उन्होंने क्या कहना, क्या आरोप लगा था उस वक्त? उनका ये कहना था कपड़ा डालने को लेकर के विवाद हुआ था। अच्छा, कपड़ा सूखने के लिए डालने के लिए विवाद हुआ था। हाँ।